हेलो फ्रेंड्स आज भी मैं एक बहुत ही छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ केवल चार रो का ये पैटर्न है और बहुत सुंदर लगता है आप चाहें तो इसे गर्मियों में भी कॉटन थ्रेड में डाल के आप इसे बना सकते हो बहुत सुंदर आता है ये देखिए इस तरीके से आता है ये कुछ जाली जाली सा पैटर्न है तो आप इसे गर्मियों में भी अप्लाई कर सकते हो टॉप वगैरह बनाने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे बनेगा ये इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको थ्री के मल्टीपल में फंदे डालने हैं प्लस दो फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं तो तीन फंदों की ये बिनाई है तो तीन तीन के जोड़ में आप इसमें फंदे डाल के लास्ट में दो फंदे और डाल लीजिएगा तो ये पैटर्न आपका एडजस्ट हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये पैटर्न मैं आपको सत्रह फंदों में डाल के दिखाऊंगी सेवनटीन स्टिचेस है मेरे पास ये पहली सिलाई है हमारी सीधी तरफ से फर्स्ट रो है ये पैटर्न की एक फंदा हमें उल्टा बिनना है पहले अब जो पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा तो एक फंदा हम स्लिप करेंगे इसके बाद धागे को ये आगे है इसको गोल घुमा के हम इस तरीके से आगे लाएंगे लपेट के और इन दो फंदों को आगे के एक साथ उल्टा बिनेंगे ये कंप्लीट हो गया है हमारा पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे तो एक फंदा स्लिप करा धागा गोल घुमा के आगे लाए और इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बीन देंगे फिर से दोहराएंगे एक फंदा स्लिप करा धागे को गोल घुमा के आगे लाए और इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे फिर से दोहराएंगे तो एक फंदा स्लिप करेंगे धागा गोल घुमा के आगे लाएंगे और इन दो फंदों को आगे एक साथ उल्टा बिनेंगे फिर से दोहराएंगे तो एक फंदा स्लिप करा धागा गोल घुमा के आगे लाए और इन दो फंदों को तो एक साथ उल्टा बीन देंगे कंप्लीट हो गया है पैटर्न अब लास्ट में आपके पास एक फंदा बचेगा इसको धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बिन लेंगे अब सेकेंड रो है हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से उल्टा तरफ से ये हमारा इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे सारे फंदे इसमें उल्टे बिन्ने हैं ये देखिए जाली वाला फंदा है इसको भी इस तरीके से उल्टा बिन लेंगे ये जाली वाला फंदा है ऐसे उल्टा तो इस रो को पूरा उल्टा उल्टा बिंदते हुए कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट का फंदा इसमें सीधा बीन देंगे अब थर्ड रो है हमारी तीसरी सिलाई है सीधी तरफ से एक फंदा हमने स्लिप करा है ये पर्ल वाइज स्लिप करेंगे देखिए इसे उल्टा अब जो पैटर्न है वो यहां से स्टार्ट करना है हमें तो अब इन दो फंदों को पहले एक साथ उल्टा बिनेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे आगे का और ये धागे को गोल घुमा के आगे लाएंगे ये पैटर्न कम्प्लीट हो गया है फिर से दोहराएंगे अपने पैटर्न को तो इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और इस धागे को गोल घुमा के आगे लाएंगे फिर से दोहराएंगे पैटर्न इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बिना एक फंदा स्लिप करा और धागे को गोल घुमा के आगे लाए कंप्लीट हो गया है फिर से दोहराएंगे तो दो फंदे एक साथ उल्टे बिने एक फंदा स्लिप करा और धागे को गोल घुमा के आगे लाए फिर से दोहराएंगे पैटर्न तो दो फंदे एक साथ उल्टे बिने एक फंदा स्लिप करा और धागे को गोल घुमा के हम आगे लाएंगे अब लास्ट का एक फंदा बचेगा यहाँ पे पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है लास्ट का एक फंदा बचा इसको हम उल्टा बिन लेंगे अब फोर्थ रो है पैटर्न की चौथी सिलाई है इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए ये जाली वाला फंदा है इसे उल्टा भी बिनेंगे ऐसे इसमें सारे ही फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करने हैं तो ये देखिए ये एक बार हमारी बिनाई बन गई है इन्हीं चारों की ये बिनाई है तो आप इन्हीं चारों को आगे रिपीट करते जाइएगा तो जब आप इन्हीं चारों को आगे बड़ा बनाएंगे पैटर्न तो ये कुछ तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा देखिए दिखे. Thank you.